हमारी यूथ को अच्छे से ट्रेन कीजिए और उनको एक स्किल्ड हाईली स्किल्ड। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम कनीस फातिमा, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी। It is an honor and privilege for me to welcome you all on behalf of Government ITI Kargil to this inaugural event of 3 months training program. The Kaushal Vikas Yojana hai, jo scheme hai isme. Isme short term duration course aur certificate course ki baat ho rahi hai. Aur aage ja ke aapka jitna bhi cheeze yahan pe ITI for example hamari JJM ki scheme chal rahi hai. Usme plumbers ki requirement hamare liye ya fir baaki technicians ki requirement hai. और आगे जाके अगर आपको बाहर भी कहीं जॉब करना है वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेटरशिप भी करनी है किसी बड़े होटल में वहाँ भी आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगेगा, या आपको कहीं इंडस्ट्री में काम करना है वो भी आपको सर्टिफिकेट मांगेगा, प्लम्बर का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, इलेक्ट्रीशियंस का हो गया। ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट कोर्सेस, ये अगर हमारे लोग यहाँ पे जो हमारे यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है और जहाँ पे जिनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है तो वो ये कोर्सेस करते हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा फायदा। उसमें इन सारी चीज़ों का सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, अहम रोल रहता है। और अभी फिफ्टीन शायद 2015 में ये लॉन्च हुआ था, इसका कुछ मकसद होगा गवर्नमेंट का कि इस स्कीम को लॉन्च करने का कुछ मतलब होगा, इसके पीछे भी कोई राज होगा, खासकर ये जवानों के लिए ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम सबको बताया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि इन्होंने बताया, तो हम क्या करते हैं मिसाल के तौर, हमें गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स आते हैं उसका फायदा शायद जितना हमें लेना चाहिए, गवर्नमेंट उतना जॉब शायद आज के दौर में दे नहीं सकता है। नहीं जॉब नहीं तो फिर क्या आराम से बैठेंगे हम घर में, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ना कुछ स्किल हो, हुनर हो, जिस तरह से चला जो जिस तरह मिसाल के तौर छिचिया पप्पू चौकी चाहे ना तो फायदा हुनर जो एजुकेटेड कहें उनको बच्चों को किस तरह से हम उनके स्किल को डेवलप करें ताकि वो मार्केट में जाके अपने अर्निंग्स अपने लाइवलीहुड वो खुद कमा सकें, क्योंकि आज के दौर में हम आप देख रहे हैं कि हर एजुकेटेड जो पर्सन है उसको जो है हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाए, और ये हकीकत है कि दिन ब दिन जो है हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, उनको ऐसे मौके हम फराहम करें ताकि वो अपना रोज़गार खुद कमा सकें। उसके लिए आइडिया एक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल पहले भी कर रहे हैं और अभी आज के डेट में मैं समझता हूँ उसकी अहमियत जो है ज़्यादा बढ़ गई है। नए नए टेक्नोलॉजीज मेथड्स जो आए हैं उनको हमें अडॉप्ट करना होगा। पहले तो आइडिया में चलिए कारपेंटर का होगा या वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ आकर हमारे हौसला अफजाई किए। इस वक्त जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस साल से शॉर्ट टर्म कोर्स के 4 ऐसे ट्रेड सर जो इस साल से शुरू हो रहे हैं सर। एक है सर बुकलाइ टेलर, दूसरा असिस्टेंट कारपेंटर, वुड फर्नीचर प्लम्बर जनरल, सेकंड है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का सर। तो इसमें से हमारा फर्स्ट बैच जो है प्लम्बर का इस वक्त आज जो इसका लॉन्च हुआ है सर। सर ये लॉकडाउन में बंद है सर, तो कल ही रिसेंटली ओपन किया तो पूरे बच्चे आए नहीं सर, थोड़े बहुत बच्चे आ गए सर हॉस्टल में। बॉक्सिंग सारे बच्चे नेशनल गए सर, नेशनल में सारे रीजनों के बाद ही सर बच्चे 14 जीते थे सर। और पूरा वीक हमारा इनको नॉन वेज मिलता सर ताकि बच्चे स्पोर्ट्स के तो नॉन वेज में ज़्यादा जोर दे रहे इसमें। और बाकी सर ये न्यूली है तो सर कुछ जो भी है गवर्नमेंट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवाइड किया मीटिंग।